लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे कंपोजर का, और कंपोजर के बाद हम लोगों ने देखा था लारावेल का इंस्टॉलर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद प्रोजेक्ट बनाया था। तो यहाँ पे अगर हम लारावेल का इंस्टॉलर अगर हमने कर रखा है तो कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि हम जिस फोल्डर में बनाना रहेगा उस फोल्डर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, और यहीं पे हम क्या करेंगे, चेक करना है अगर हमारे पास कंपोजर इंस्टॉल है कि नहीं है। तो हम यहाँ से कंपोजर लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कुछ कमांड्स लिख करके आते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा कंपोजर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर हम लारावेल चेक करता है करना है तो यहाँ पे लारावेल लिख करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि ये लारावेल हमारा इसमें इंस्टॉल है, लारावेल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें कौन सा कमांड है। जैसे यहाँ पे देखिए अवेलेबल कमांड क्या है, न्यू कमांड है, किस चीज़ के लिए, क्रिएट अ न्यू लारावेल एप्लीकेशन। अगर हमें लारावेल का नया एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हम न्यू का यूज करेंगे। तो अभी हम पहले लारावेल का एक देखते हैं कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा कमांड वही रहेगा, लारावेल न्यू, और यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, डेमो लारावेल प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने लारावेल जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना रहेगा, ध्यान देना होगा कि हमें HT डॉक्स के अंदर रहेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे लारावेल न्यू डेमो लारावेल। तो जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था कंपोजर की हेल्प से, वो लारावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कमांड के हेल्प से, एंटर करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या कर रहा है, ये इस इंस्टॉलर का यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, और ये आपको डिपेंड करेगा इंटरनेट की स्पीड पे कि कितना टाइम लेगा आपको ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। तो आपको ध्यान देना रहेगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, तभी आपका कंपोजर डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, देन लारावेल का इंस्टॉलर होगा। तो लारावेल का इंस्टॉलर हम क्रिएट करने के बाद फिर हम लारावेल का इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा, देन हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और ये प्रोजेक्ट हमारा आपका कॉन्फिगर कर रहा है प्रोजेक्ट वाला फोल्डर, और ये फोल्डर हमारा एक नया क्रिएट करेगा। कहाँ पे क्रिएट करेगा, HT डॉक्स के फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमने पाथ जो दिया था वो HT डॉक्स का दिया था। ये जो हम लोगों ने देखे लास्ट टाइम पे, जो हम लोगों ने लारावेल की वेबसाइट से जो देखा था ना, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, ये लारावेल इंस्टॉलर जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये लारावेल कमांड यहाँ पे मिल रहा था ना, ये कंपोजर करने पे ये हमें मिल रहा था, और लारावेल यहाँ पे करने पे हमें लारावेल का वर्जन दिखा रहा था। तो ये तब तक ये लारावेल का कमांड तभी चलेगा जब हमारा यहाँ से क्या होगा, ये लारावेल का इंस्टॉलर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में। तब इंस्टॉल करने का तरीका यही था, और सबसे पहले हमें कंपोजर इंस्टॉल किया था, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट जो अभी करके देखा है वो ये वाला कमांड करके देखा है। बाकी अगर आपको कंपोजर की हेल्प से करना रहेगा तो ये कमांड थोड़ा सा लेंदी होता है, यहाँ से आपको देखिए ये पैकेज का यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट ये लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पे पैकेज का नाम लिखना होता है, फिर ये इंस्टॉलर जो हम लोगों ने अभी लारावेल लारावेल इंस्टॉलर ये हमने इंस्टॉल किया है, ये इंस्टॉलर का नाम है, वर्जन कौन सा है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ये हम अगर कंपोजर का यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। तो कंपोजर क्यों इंस्टॉल किया था सबसे पहले, जिससे कि हम लारावेल का इंस्टॉलर डाल सकें। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फाइनली हमारा ये जो इसमें हमने इंस्टॉल यहाँ पे किया था ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसी को हम इसमें देखते हैं, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरीके से मिलेगा। तो
तो htdocs में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमने कुछ दिया था, डेमो लारावेल प्रोजेक्ट करके दिया था। इसको हमने डेमो लारावेल प्रोजेक्ट ये है, इसके अंदर हम जाने के बाद इसको एक बार CMD करके इसको फिर से हम क्या करेंगे, VS कोड में ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे कोड और करंट फोल्डर में रहना है, तो हम डॉट लगाएंगे स्पेस देने के बाद, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से काम करेगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर हमारे पास जो दिया गया है वो ऐप है। ऐप में अगर हम देखेंगे तो इसमें तो यहाँ पे हम लोग ऐप में देखेंगे तो ऐप वाले में बहुत सारे फोल्डर्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कंसोल है, कर्नल डॉट पी एच पी है, ये अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कर्नल डॉट पी एच पी की। और इसमें एक्सेप्शन से रिलेटेड है, जो हमारे पास एक्सेप्शन मैनेजमेंट अगर हमें खुद से करना होता है, खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करना होता है, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट फिलहाल अभी के लिए इसमें ना तो कंसोल की हमें रिक्वायरमेंट्स होगी एज अ बिगनर लेवल पे, ना तो एक्सेप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। और जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो HTTP वाले की ज़रूरत पड़ेगी, वो चाहे बिगनर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, वो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसमें। इसके अंदर आपको देखिए, हमने बोला था जो भी हमारा प्रोजेक्ट बनेगा वो MVC के यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आपका देखिए ये कंट्रोलर है, और इसी में आपको ऐप के अंदर मॉडल भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर डॉट पी एच पी आपको मिलेगा, और इस कंट्रोलर डॉट पी एच पी से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पर राउट करना है, कहाँ पे हमें उसको भेजना है कंट्रोलर में। और इसी में कुछ मिडिलवेयर है, ये कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती हैं जो ऑथेंटिकेशन वगैरह, जैसे लॉग इन लॉग आउट से रिलेटेड हो गया, या फिर कुछ इनक्रिप्टेड कुकीज़ वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड सर्विसेज होती हैं। ये चीज़ों को भी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जो इम्पोर्टेंट पड़ेगा वो हमारा कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें भी मॉडल जो हम देख रहे हैं, इसमें HTTP के अलावा इसमें एक मॉडल आपको मिलेगा, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यूज़र डॉट मॉडल। तो ये जो मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट हमारा डेटाबेस से रिलेटेड जो यहाँ पे रहेगा कोड, वो डेटाबेस से हम इंटरेक्ट कराने के लिए यूज करेंगे। इसमें प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पे प्रोवाइडर्स की भी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जो मेन रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो मॉडल, और इसके अंदर कंट्रोलर है, कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। और एक हमारे पास आपको मेनली रिक्वायरमेंट पड़ती है राउट की। इसमें राउट में API से रिलेटेड जो राउट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो हमारे पास चैनल्स कोई है तो चैनल्स के रिगार्डिंग रहेगा, कंसोल के रिगार्डिंग। बट इसमें अभी हमें इन तीनों को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जो मेन रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो वेब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो अपने पेज को हम यहाँ पे राउट के लिए डिफाइन करेंगे। अभी हम देखेंगे कि राउट का काम क्या होता है, कैसे है। इसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पे जो डेटाबेस से रिलेटेड इसमें कोडिंग किया जाता है, हमें इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, PHP माई एडमिन में जा करके ऑटोमेटिक हमारा टेबल क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखने पड़ेंगे, वो यहाँ पे हम डेटाबेस से रिलेटेड जो कोड रहेगा टेबल क्रिएट करने से रिलेटेड, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइलें जो होंगी वो यहाँ पे रहेगा हमारा, ऐप से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये जो बूटस्ट्रैप दिया गया है, ये बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास जो बूटस्ट्रैप दिया गया है, बूटस्ट्रैप हमने जो CSS का फ्रेमवर्क पढ़ा था वो इसी के लिए ये स्पेशली बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बूटस्ट्रैप का मतलब यहाँ पे है कि हम अपने प्रोजेक्ट की फास्ट कैसे कर सकते हैं, इंस्टेंट हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बूटस्ट्रैप का मीनिंग है। इसमें जैसे कैशे वगैरह हम
मैनेज करते हैं, जिससे कि हमें बार बार किसी पर्टिकुलर कोड को सर्वर से गेट करने की जरूरत ना पड़े, वो हम अपने कैशे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को फास्ट और इंस्टेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें जो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो मेजरली काम रहेगा, वो जैसे अगर हमें CSS की कोडिंग लिखनी है, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग रखनी है, तो वो हम कहाँ पे रखेंगे? इस CSS वाले फोल्डर में रखेंगे, रिसोर्स के अंदर। और अगर हमारे पास कोई ऐसा है फोल्डर्स, जैसे यहाँ पे देखिए, एक जो HTML की कोडिंग करते थे, वो व्यू वाला काम जो होगा, जैसे हम लोगों ने देखा था मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो ये व्यू वाला सेक्शन यहाँ पे रहेगा। इसमें हम HTML की कोडिंग लिखेंगे जो यहाँ पे रहेगा इसके अंदर। इसमें हम यहाँ पे एक ब्लेड हो दिया गया है। ब्लेड एक टेम्पलेट व्यू होता है जो आसानी से हम व्यू को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलती हैं व्यू टेम्पलेट व्यू के थ्रू। कहने का मतलब है, जो हमारे पास MVC वाले मॉडल में हम लोगों ने व्यू वाला पार्ट था, वो वाली चीजें हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे, बट इसमें फाइल का नाम जो हमें देना होगा हम यहाँ पे देंगे, और ब्लेड हमारा जो है ये सफिक्स ये लगा रहेगा, .php के पहले सफिक्स रहेगा, ये फाइल का नाम .blade.php। तो यहाँ पे blade.php ये हमारा फिक्स रहेगा, बाकी हम इस वेलकम की जगह पे किसी भी फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हमें about.php बनाना है, तो हम उसके लिए लिखेंगे about.blade.php। तो जो भी हमारा व्यू वाला पोर्शन रहेगा वो यहाँ पे रखा जाएगा, और जावास्क्रिप्ट की फाइलें इसमें रखी जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है जावास्क्रिप्ट, एप्स रिलेटेड है, और यहाँ पे जैसे बूटस्ट्रैप की हमें CSS वाली फाइल रखनी रहेगी, तो वो यहाँ पे रहेगा इसके अंदर। और ये रिसोर्सेस का मतलब है जहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा सॉरी स्टैटिक वाला फोल्डर्स रहेगा। तो मेनली हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो हमारा इस पब्लिक के अंदर रहेगा, और बाकी यहाँ पे राउट्स हो गया। जैसे अगर हमें याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे राउट के अंदर डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिखा था web.php, तो web.php में देखिए हमने क्या पास किया है, वेलकम। तो ये वेलकम जो हमने पास किया है, ये हमारे व्यू के अंदर जो फाइल दी गई है वो फाइल का नाम है रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर व्यू, व्यू के अंदर क्या दिया गया, वेलकम। तो ये हमारा वेलकम। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, कोर PHP में अगर किसी फाइल पे भेजना होता था तो हम क्या करते थे, पूरी फाइल का नाम लिखते थे welcome.php। बट यहाँ पे हमें राउटिंग में, राउट में क्या करेंगे, केवल और केवल वेलकम लिखेंगे, दैट मीन्स फाइल का नाम लिखेंगे, और ये रिमेनिंग वाली चीजें हम नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा रन करा करके देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से ये हमें आउटपुट देगा। तो एक बार हम इसके ब्राउज़र में चलते हैं, तो ब्राउज़र से अगर हमें स्टार्ट करना रहेगा तो लोकल होस्ट जैसे हम लोग पहले लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से हम वो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखेंगे। बट प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम केवल मात्र लिखने से ये हमारा काम नहीं चलेगा, इसमें हम प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम यहाँ पे हमने पास किया। अब इसके आगे हमने स्लैश लगाना होगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक, पब्लिक इन द सेंस जो हमारे पास यहाँ पे ये फोल्डर स्ट्रक्चर था, ये पब्लिक फोल्डर, क्योंकि इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर एक index.php फाइल है, और ये index.php क्या करता है, ये हमें यहाँ पे बताएगा कि हमें कौन सा पेज को स्टार्ट करना है, तो ये हमें रिडायरेक्ट करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा,
इस पर्टिकुलर सोर्स के अंदर व्यू वाले मॉडल पे। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, हमने राउट में क्या लिखा है, एक राउट हमने डिफाइन किया है इसमें, यहाँ से वेब डॉट राउट था यहाँ पे। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। अगर हमने स्लैश लगाया है तो स्लैश लगाएंगे तो स्लैश के केसेस में हमारा क्या करेगा, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर ये इंडेक्स डॉट पीएचपी रिडायरेक्ट करेगा। कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ये स्लैश हमारा है, ये इसको हम यूआरएल बोलते हैं या राउट बोलते हैं। यहाँ से इसको, और ये किसको हमें कहाँ पे भेजेगा, इस वाले पेज पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इंडेक्स डॉट पी एच पी है, इंडेक्स डॉट पी एच पी ये है हमारा पब्लिक के अंदर, और इस पब्लिक के अंदर हमारे पास एक क्लास यहाँ पे बनाई गई है और कुछ कर्नल्स इसमें यूज किए गए हैं। बट इसको हम रिडायरेक्ट करना रहेगा राउट को, तो हमें इस राउट में ही मेन हमारा रहेगा जो भी हम क्रिएट करेंगे। अभी जैसे हमें कुछ राउट्स में थोड़ा सा चेंजेस करते, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे वेलकम दिया गया है, अगर हमें खुद का राउट बनाना रहेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राउट हमारी एक क्लास है जो हमने स्टैटिक पढ़ा था, नॉन स्टैटिक पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राउट हमारी क्या है, एक क्लास है और इसके अंदर ये हमारा मेथड है। देखिए यहाँ से ये राउट हमारा क्लास है और इसके अंदर स्टैटिक हमारा क्या है, मेथड है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे राउट पाथ देना होगा, जैसे हमें यहाँ पे टेस्ट देना है तो टेस्ट दे दिया, और देन हम यहाँ से फंक्शन, फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर रिटर्न, अगर हमें रिटर्न करना है नॉर्मल इको, यहाँ पे हमने देना है हेलो टेस्टिंग ऑफ राउट, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से देंगे और ये सेमी कॉलन लगाएंगे। इसको हम सेव करेंगे, रिटर्न हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे इसमें फंक्शन से हमने दिया टेस्ट गेट राउट। अगर खुद का राउट बनाना है तो हम यहाँ से राउट देंगे, राउट का नेम और उसके बाद फंक्शन का नेम, देन उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो भी हमें पास करना रहेगा। अगर नॉर्मल हमें को कंटेंट यहाँ से पास करना है तो हम इको कराएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से हम ये पाथ इसको दे करके हिट करेंगे तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर हमने कोई फाइल बनाया है व्यू के अंदर, जो व्यू के अंदर हमने बना रखा है, अगर हम वहाँ पे अगर बनाते हैं तो कोई, जैसे हमने व्यू के अंदर कुछ इस तरीके से हमने एक फाइल क्रिएट किया, न्यू फाइल, फाइल में हमने दे दिया अबाउट या टेस्ट डॉट ब्लेड रहेगा, ब्लेड डॉट पी एच पी। अब इसके अंदर भी हमें कंटेंट जो भी देना रहेगा वो हम यहाँ पे ब्लेड डॉट पी एच पी के अंदर नॉर्मल, चाहे तो आप एच टी एम एल का जो कोड आप लिखते थे कुछ उस तरीके से आप लिख सकते हो इसके अंदर पूरा का पूरा, हेलो वेलकम इन पी एच पी विथ लारावेल, तो इसको आपने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये जो हमने यहाँ पे दिया है ब्लेड, ये ब्लेड डॉट पी एच पी को हम अगर रन कराना चाहते हैं तो हमें चलना पड़ेगा वेब डॉट राउट में, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा इको की जगह पे रिटर्न, और यहाँ से व्यू लिखेंगे, ये व्यू हमारा फिक्स रहेगा, और इसके अंदर हमारे पास वो फाइल का नाम होगा जो फाइल से हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया है। तो हमने फाइल का नाम यहाँ पे टेस्ट किया है, तो हम टेस्ट केवल पास करेंगे, बाकी ब्लेड वगैरह नहीं पास करना रहेगा। सेव करते हैं और इसको फिर से रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वाली फाइल को ये रिटर्न कर देगा। तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि हमारा राउट कहाँ पे मेंशन किया गया है। राउट मेन आपका काम करेगा कि किस पेज पे लेके जाना है। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो राउट दिया है यही फाइल का नाम होना चाहिए। हमने यहाँ पे ए बी सी दे दिया,
और सेव कर दिया। और फिर से यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, तभी देखिए नॉट फाउंड बताएगा, क्योंकि अब हमने यहाँ पे ए बी सी कर दिया है, तो ए बी सी लिखेंगे और इंटर करेंगे, देन ये हमें मिल जाएगा। तो यूआरएल में हमारा कुछ भी हो सकता है और फाइल का नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, इसमें ये चीज़ें आपको मिलेगा। अगर हमें इसी में, अभी तक तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे रन कराया, अगर कमांड के थ्रू रन कराना होता तो कमांड के थ्रू भी इसको हम रन करा सकते थे, PHP आर्टिशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें रन कराएंगे इसके कमांड्स को, देखिए क्या लिखेंगे, PHP आर्टिशन सर्व, यहाँ से इंटर करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका लारावेल का सर्वर स्टार्ट हो गया है, कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है। तो आप यहाँ से इसको भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कॉपी करके, डायरेक्ट अगर ब्राउजर में चलना है तो हम यहाँ से भी देखिए कुछ इस तरीके से, ये वही सेम है, लोकल होस्ट वाला ही है। अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये कमांड है PHP आर्टिशन सर्व। अगर आपको ये कमांड याद नहीं है तो आपको लो जैसे मैन्युअली जैसे हम यहाँ पे रन कराते थे उस तरीके से रन कराना पड़ेगा, प्रोजेक्ट का नाम डालना पड़ेगा, देन हमारा पब्लिक फोल्डर का नाम, देन हम राउट का नाम। अगर हमें ये चीज़ें नहीं पता है कमांड, तो हम डायरेक्ट जो है कुछ इस तरीके से भी फॉलो अप कर सकते हैं कि कैसे हम करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने प्रोजेक्ट का नाम नहीं डाला है, आप इसमें लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, कोई वो चीज नहीं है, बट आपको पहले वहाँ पे रन कराना पड़ेगा लोकल होस्ट। देखिए ये लोकल होस्ट दिस, तो अगर हमें डायरेक्ट रन कराना है तो पहले हम अगर प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे फोल्डर का नाम नहीं लिखना चाहते हैं, तो ये वाला कमांड हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा PHP आर्टिशन सर। बाकी इसमें अगर आपको ट्राई करना है तो ये चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे हम राउट कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे ब्लेड फाइल हम बना करके उस पर रिडायरेक्ट करेंगे। ये राउटिंग अगर हमें आसानी से आ जाएगी तो फिर आगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना सा था कि हम कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे समझ रहे थे, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे इसमें काम करता है और कौन से फोल्डर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग और भी डिटेल इन सब फोल्डर के बारे में बारी बारी से देखेंगे, बट जो अभी हमारे पास जो मोस्टली जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो राउट का यूज करेंगे, जिसमें आपको वेब डॉट पी एच पी रहेगा, और हम पब्लिक फोल्डर यूज करेंगे जिसमें हमारे पास जो है रिसोर्सेस का जो दिया जाएगा यहाँ पे ब्लेड का। तो रिसोर्सेस में हम यहाँ पे ब्लेड वाले का यूज करेंगे व्यू वाले सेक्शन में। तो इससे हम इतना चीज़ें अभी कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे हमारा राउट्स काम करता है यहाँ पे, क्योंकि फाइल का नाम अलग रहता है और यूआरएल का कुछ भी हम पास कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो हम यहाँ से लोकल होस्ट से जब हम यहाँ पे रन कराते हैं लोकल होस्ट, या फिर हम यहाँ से ये कमांड देते हैं PHP आर्टिशन सर्व, तो ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे इस वाली फाइल को ये हिट करता है और यहाँ से ये पर्टिकुलर पब्लिक फोल्डर के अंदर index.php को क्या करता है, ओपन करेगा। और इस index.php में अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ लाइन ऑफ कोड जो दिया जाता है रन करने के लिए, रन द एप्लीकेशन, कैसे रन होगा एप्लीकेशन, वंस वी हैव द एप्लीकेशन वी हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट। इसका मतलब जो ब्राउजर से हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो चीज़ों को ये क्या करता है, हैंडल करने का काम करेगा, और देन वो रिस्पॉन्स करेगा ब्राउज़र को कि कौन सी फाइल को हमें रिस्पॉन्स कराता है। तो ये कहाँ से मैनेज करता है, ये कर्नल डॉट पी एच पी जो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कंसोल के अंदर हमारे पास कर्नल डॉट पी एच पी होती है, ये इसके अंदर यहाँ पे जो भी हमने पी एच पी आर्टिशन सर्व ये जो हमने कमांड चलाया था, ये सारे कमांड्स जो है ऑलरेडी PHP में
इसी कंसोल के थ्रू, कर्नल के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। अगर हमें खुद का PHP आर्टिशन कमांड लिखना होता है तो हम इसी के अंदर लिखते हैं, बट फिलहाल अभी नीड नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इंडेक्स से क्या करेगा, इस इंडेक्स वाला फाइल क्या करेगा, इस PHP आर्टिशन कर्नल फाइल के हेल्प से क्या करेगा, मैनेज करेगा। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल राउट का रहता है, और ये राउट से ही जो हमारे पास web.php में जो रिक्वेस्ट आती है और वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये पूरा मैनेज करने का काम कर्नल करेगा, कर्नल कि हमारे ब्राउजर से कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ से ये रिक्वेस्ट चेक करेगा और ये यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। तो जो फर्स्ट वाली कमांड्स की रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ से ओपन करने के बाद फिर ये आप बाकी रिमेनिंग वाला मैनेजमेंट जो होगा ये राउट से किया जाएगा। इसमें जो हमारे पास रिसोर्सेस के अंदर था, जो हमने यहाँ पे राउट में पास किया था, व्यू के अंदर टेस्ट या वेलकम, ये हमारा यहाँ पे ब्लेड का नाम दिया था, जिसको हम लोग टेम्पलेट इंजन बोलते हैं ब्लेड को। ये PHP के अंदर, ये तो ये आपका लारावेल के अंदर होता है ऑलरेडी टेम्पलेट इंजन। इसी में हम लोगों ने CSS जावास्क्रिप्ट देखा था। तो पब्लिक में केवल फर्स्ट फाइल का जो रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ से मैनेज होता है, बाकी रिमेनिंग वाला हम यहाँ से राउट से मैनेज करते हैं। और इसमें जो हमारे पास मॉडल वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पे देखा था, ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम करेगा कि कैसे हमारे पास डेटा इंसर्ट होगा, डिलीट कहाँ से होगा, कौन से मॉडल्स हमें बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या फिर लॉगिन से रिलेटेड है, वो सारी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है वो यहाँ पे दिया जाएगा। बट जो डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट करने का काम होता है वो यहाँ से दिया जाता है, माइग्रेशन के अंदर दिया जाता है। इसमें आपके टेबल्स कौन सी क्रिएट होगी, किस नाम से होगा, कॉलम क्या क्या होंगे, इसके रूल अलग होते हैं। हमें PHP माई एडमिन में जाकर के हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम यहीं से कर सकते हैं। तो मेनली अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो हमारा स्टार्टअप के लिए यहाँ पे server.php है रिस्पॉन्सिबल, जो PHP आर्टिशन सर्व करने पे चलता है। और उसके बाद जब हम अदर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो राउट से के थ्रू मैनेज किया जाता है, जिसमें हम यहाँ से URL को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्स को डिफाइन करते हैं कि कौन से पेज को हमें रिडायरेक्ट कराना है यूजर को। और उसके बाद जो कंट्रोलर्स है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इसमें कंट्रोलर्स HTTP के अंदर, ये कंट्रोलर्स जो होता है इसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, वो आगे चल करके देखेंगे कि कहाँ से बिजनेस लॉजिक कैसे लिखी जाएगी। बाकी यहाँ पे हमें मॉडल देखे तो ये हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर यही है, कंट्रोलर और मॉडल और ये व्यू। तो बेसिकली मेजरली हमें ज़्यादातर अभी हमें राउट्स यूज करना रहेगा और रिसोर्सेस के अंदर जो है व्यू यूज करना रहेगा। बाकी मॉडल जब हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे तो डेटाबेस से रिलेटेड हम यहाँ पे माइग्रेशन का काम करेंगे, और कंट्रोलर भी बनाना रहेगा कि अगर हमें ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कंट्रोलर है उसको अलग बनाना है, जिसको लॉगिन या लॉगआउट का कंट्रोलर अलग करना है, सर्विसेज का कंट्रोलर अलग करना है, तो हम उस चीज़ को बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए हम उसको अलग अलग बना सकते हैं जिससे मिक्सअप ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही था, दैट्स इट।